किसानों के आंदोलन में देखी, किस तरह से आप अडिग बन गए। आप में से कितने लोग शहीद हुए, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, आप किसी के सामने कभी नहीं झुके। यही है आपकी पंजाबियत, आप झुकने वाले नहीं हैं। जब मैं लखीमपुर खेरी गई, जहां पे 6 किसानों को एक क्रूरता से कुचला गया, एक मंत्री के पुत्र ने कुचला, मैं जब उन किसानों के परिवारों में गई, दुख लगा लेकिन गर्व भी हुआ कि ऐसे भी परिवार होते हैं। जो परिवार उजड़ गए थे, कमाने वाला चले गया था, लेकिन महिला वहां खड़ी थी, खुददार थी, झुकती नहीं थी। ऐसे गांव में मैं गई जहां पे उनका एक घर अकेला था, डर था। मुझे बोला, चुपचाप से बोला कि दीदी, किसी को हमारे साथ छोड़ दो, क्योंकि क्या पता यहाँ क्या हो जाए। लेकिन झुकी नहीं वो महिलाएं, वो विधवाएं भी नहीं झुकी, अपना सर ऊंचा करके बैठी थी और कह रही थी कि ठीक है, हमारे परिवार का सदस्य, हमारा शौहर शहीद हो गया, कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। ये है पंजाबियत। यहां पर आज चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, बहुत तमाम पार्टियां आपके सामने आ रही हैं। कुछ को तो आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, भाजपा की मैं बात कर रही हूं। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है, अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी, तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ, वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है, जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है, वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है, आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है, दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जब तक आप असलियत नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले सकते। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी, ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए, वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलनी लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई सांठगांठ थी, वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जो आपकी तरह हैं, एक गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपके लिए
100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला, क्योंकि वो आप किसकी समस्याओं को समझते हैं, वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। अगर आप आम आदमी की सरकार को देखें, वो सरकार जो आज भी जितने भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें किसका चेहरा दिखता है? केजरीवाल जी का चेहरा दिखता है, एक ही नेता का चेहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बनेगी यहां तो वहां से चलेगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी भाजपा की सरकार में और इनमें, ये भी दिल्ली से ही चलाई जाएगी, आपके लिए नहीं चलेगी। आपको बताया जाता है कि बहुत उपलब्धियां हैं इस सरकार की, लेकिन कोविड के समय देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पताल भर गए थे, कुछ नहीं, नए अस्पताल, नई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बनाई, जांचों में घोटाले थे, मृत्यु के आंकड़ों में घोटाले थे, हर तरह से, हर तरफ से जब आप देखें तो वहां की सरकार विफल हुई है। क्या आप ऐसी सरकार अपने पंजाब में भी चाहते हैं, या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अपनी गलतियों को समझते हुए लेकिन एक नई राजनीति को उभारे? आपने देखा है कि मात्र 100-150 दिनों में कितना काम किया गया है। 6400 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए, 1500 करोड़ के बिल माफ हुए, बिजली के बिल माफ हुए, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, बिजली का रेट 3 रुपए यूनिट किया गया, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट किया जा रहा है, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटाकर 50 रुपए माह प्रति माह के बन गए हैं, शहरों में जो वाटर सप्लाई है, सुएज है, उसमें 700 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, गौशालाओं में बिजली बिल माफ किए, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए, 3.5 लाख जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं, उन्हें 3,100 रुपए दिए प्रतिमा, दलित और पिछड़े वर्ग के 60 करोड़ के कर्जे माफ हुए, दलित वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट बिजली माफ की गई, रसोईया बहनों का मानदेय 3,000 रुपए प्रतिमा बढ़ाया गया और 12 महीनों तक वेतन देना शुरू किया है, 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये सरकार आरक्षण देना चाहती है, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देना चाहती है, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देना चाहती है जब दोबारा से आएगी। कुछ वादे कर रहे हैं चन्नी जी और उनकी सरकार आपके सामने आकर, ये वादे मैं दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनिए। पहला फैसला ये करना चाहते हैं कि 1 लाख रोजगार बनाए जाएं, महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपए दिए जाएं ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो, जो गृहस्थ महिलाएं उनको, जरूरतमंद परिवारों को हर साल फ्री में 1 गैस का सिलेंडर नहीं लेकिन 8 गैस के सिलेंडर देना चाहते हैं, सरकारी अस्पताल में 20 लाख तक मुफ्त इलाज करवाएंगे, राज्य रोजगार योजना के तहत पंजाब में के सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा, आंगनवाड़ी की बहनों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये सरकार जो इतना सारा कुछ करना चाहती है, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको ये कहने के लिए नहीं आए हैं, इनका दिल आपके लिए धड़कता है, मीडिया और विज्ञापनों में आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी असलियत नहीं है। सच्चाई ये है कि चाहे भाजपा की नीतियां हों या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नीतियां हों, इससे पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो रही है, इससे आपका विकास नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं मेहनत की कमाई से, खून पसीने से, आप किसान हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप छोटे छोटे कारोबार खोलते हैं, छोटे बिजनेस हैं आपके, उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनेसों को, आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाए। आपने जितने संकट देखे हैं कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, बेरोजगारी की वजह से, उनको दूर करने का काम करें।
तो हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जब आप वोट करने जाएंगे तो जो आपके नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको आप पहचानेंगे। आपको एक नई सरकार चाहिए तो एक नई सरकार आपको कांग्रेस में ही मिलेगी। आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता। बोलते 3 बजे सुबह आया था, मैं 6 बजे सुबह चले गए, सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं। सुनकर कि 3-4 बजे तक आपके लिए काम हो रहा है, उनको एक मौका दीजिए आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का, एक मौका दीजिए पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का, उस पंजाबियत को जिस पर आप सबका गर्व है, हम सबका गर्व है, उसी को उभार के मजबूत बनाने का। यही मैं आग्रह आपसे करना चाहती हूँ। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।